और महाभारत में आज बात संविधान हत्या दिवस की। संविधान की हत्या किसने की, संविधान के खिलाफ कौन खड़ा है। आज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और उस फैसले से सीधे सीधे विपक्ष को जवाब दे दिया। ये दो तारीखें जो आप मेरे दोनों तरफ देख रहे हैं, 25 जून 1975 जब इमरजेंसी का ऐलान हुआ, उसी तारीख को आज 2024 में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया है सरकार ने। अभी तक संविधान को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप सरकार और विपक्ष के बीच चलते रहे, लेकिन यह तारीख अब कैसे सरकारी दस्तावेजों में संविधान हत्या दिवस के रूप में दर्ज हो जाएगी, आज इस पर कर रही हूं महाभारत। संविधान की हत्या करने वाले कौन, संविधान को मारने वाले कौन, संविधान को लेकर आज भी एक जंग जारी है। कौन सही है, कौन गलत है। 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान किया था, नरेंद्र मोदी को लगातार चुनाव में विपक्ष ये कहकर घेरता रहा कि ये संविधान विरोधी है, तो आज करारा जवाब नरेंद्र मोदी की सरकार ने दे दिया ये कहकर कि जिन्होंने संविधान की हत्या की है वो अब ये बात माने कि वो संविधान हत्या दिवस था, यानी इमरजेंसी के ऐलान को संविधान हत्या दिवस के रूप में अब देश मनाएगा, क्योंकि सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है, गैजेट जारी कर दिया है। आपको मैं दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। एक तस्वीर वो जब विपक्ष संसद में शपथ ग्रहण के लिए पहुंचा था तो कैसे संविधान की प्रतियां लेकर पहुंचे थे। ये मेरे पीछे राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, हाथ में संविधान की प्रति थी और ये बताने की कोशिश कि संविधान पर हमला करने वाली ये सरकार है, हम संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं। तो ये राहुल गांधी की तस्वीर थी और विपक्ष ने कैसे संविधान की प्रतियां लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था। वही दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। दूसरी तस्वीर नरेंद्र मोदी की, जब उन्होंने शपथ ग्रहण की तो उन्होंने संविधान को सर माथे लगाया था। अब देश की जनता को तय करना है कि कौन संविधान के साथ है और कौन संविधान विरोधी है। आपको बताती हूं कि सरकार ने ऐलान क्या किया है। आपको सबसे पहले बताती हूं कि 25 जून की तारीख को किस तरह से सरकार ने अब अपने सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कर दिया है। आपातकाल पर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है और 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर ऐलान किया है, केंद्र सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और इसी के साथ साथ गृह मंत्री शाह ने एक्स पर इसे लेकर पोस्ट भी कर दिया कि आज से संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा 25 जून की तारीख। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस संविधान विरोधी है, 25 जून को संविधान की हत्या की थी कांग्रेस पार्टी ने और इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटा था, इसीलिए अब यह क्या इस सरकार का सबसे बड़ा वार है। आज महाभारत में इस पर बात होगी। लाखों लोगों को जेल में डाला था कह रहे हैं अमित शाह, मीडिया की आवाज को दबाया था कह रहे हैं अमित शाह। अब इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने कैसे इस पर अपना रिएक्शन दिया। जैसे ही सरकार ने ऐलान किया कि संविधान हत्या दिवस होगा, उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने कैसे पोस्ट किया है एक्स पर, उन्होंने कहा 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के रूप में हमें याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को रौंदा गया तब क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन भी है जिसने आपातकाल की ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले थे। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट आया जो भारतीय इतिहास का एक काला दौर था। प्रधानमंत्री ने संविधान हत्या दिवस को इतिहास का काला दिन बताते हुए ये ट्वीट किया। अब सवाल ये है कि क्या अब संविधान को जो लेकर विपक्ष हमला करता है उस पर यह करारा जवाब है। आज महाभारत इस पर करूंगी। एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि जेडीयू ने भी इसका समर्थन कर दिया है, नीतीश कुमार की पार्टी। बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार के समर्थन में नीतीश कुमार भी आ गए। वो कह रहे हैं हम केंद्र के फैसले के समर्थन में हैं, हम केंद्र का समर्थन करते हैं, सरकार ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। तो नीतीश कुमार की पार्टी सबसे पहले केंद्र के फैसले के साथ नजर आ रही, तो यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। नीतीश कुमार की पार्टी, अब देख लीजिए जब यह बड़ा फैसला आया है तो उसके बाद
नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन में सबसे पहले जेडीयू उतरी है। केंद्र सरकार के इस फैसले की भूरी भूरी प्रशंसा, जिसमें 25 जून को संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार था। मुझे भी आपातकाल में जेल जाने का मौका मिला था, परिवारजनों को भी तकलीफ हुई, मित्रजनों को भी तकलीफ हुई, और हमारे उस पराक्रम को आज मान्यता मिली है, ये प्रसन्नता है। तो आपने सुन लिया कि कैसे अब सरकार के इस फैसले के साथ उनके सहयोगी दल भी खड़े हो गए हैं। शुरू वाला ग्राफिक एक बार फिर से ले लीजिए। मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाह रही हूं कि किस तरह से 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी और उसे लेकर अब सरकार ने संविधान हत्या दिवस का ऐलान किया है। आज महाभारत में सवाल ये पूछूंगी कि क्या ये सही है, क्या इस कदम के बाद विपक्ष के लिए इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि संविधान को लेकर लगातार हमला विपक्ष नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर करता आया है। अब पलटवार कैसे करेंगे? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता टुहिन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी अजीत के। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनुराग भदौरिया जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं और किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले इसी बात से करना चाह रही हूं, वरुण पुरोहित जी, अगर आपके साथ शुरुआत कर लूं, 25 जून 1975 इमरजेंसी का ऐलान किया गया, संविधान की जो शक्तियां हैं उन्हें खत्म किया गया, ऐसे में अगर संविधान हत्या दिवस इसे कहा जाए तो क्या सरकार कुछ गलत कर रही? सुचारिता जी, ये जो मोदी सरकार है ना, 10 साल से मोदी काल के रूप में याद किया जाएगा। जैसे एक सीरियल आता था बच्चों को अंधेरा कायम रहे, वो अंधेरा कायम रखना चाहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई जो है, जनता उससे परेशान है, और इनकी जो मैं इंतकाम लूंगा वाली जो मानसिकता है, इससे देश के अंदर अराजकता फैलेगी, आप देख लीजिएगा। और इनका जो बंच ऑफ नॉन बायोलॉजिकल थॉट्स की जो किताब रचना चाह रहे हैं ना ये मोदी जी, इससे देश पूरी तरह से परेशान हो चुका है। और ये चुनाव हारने के बाद इनका फोकस इंदिरा गांधी तो भाई दो टुकड़े करके पाकिस्तान बना दिया। आप तो इवेंट कंपनी के लिए चलते जा रहे, इवेंट मैनेजमेंट करते हो दिन भर। देखिए, एक मानसिकता होती है, वो होती है सबको साथ लेके चलने की, एक होती है इंतकाम लेने की। तो इंतकाम लेने की मानसिकता से, मैंने पहले भी कहा, ये सरकार चलने वाली नहीं है। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जैसे होती है, इनकी जो स्वभाव है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सबको साथ लेके चलने की बात नहीं है। और ये जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद इनके अंदर जो एक अजीब सी भावनाएं क्रिएट हो गई हैं कि अब ये इससे क्या बच्चों को फर्क पड़ेगा, आप बताइए। आपने संविधान हत्या दिवस, तो बेरोजगारी दिवस जो है वो तो मोदी जी की जो भी बर्थ डेट है सितंबर की, उसमें मनाते ही युवा, कई युवा मनाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लोगों का पेट भर जाएगा या लोगों को रोजगार मिल जाएगा, उस पर कोई जवाब नहीं है। और मेरी पार्टी भी कह रही है, ध्यान, मैं कह रहा हूँ विपक्ष कह रहा है ध्यान भटकेगा भी नहीं इससे। पब्लिक का ध्यान तो अपने खुद की महंगाई, बेरोजगारी, खुद की समस्याओं के ऊपर है। किसने देखा? और इमरजेंसी मैंने देखी है, मेरे को पता है, बचपन बाला साहब देवव्रत सर संघ प्रमुख थे उस समय की बात है। आम जनता को परेशानी नहीं होती थी सुचारिता जी, हाँ मीडिया और जो नेता लोग थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, उनको जरूर परेशानी हुई थी, उनको जरूर जेलों में। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। संविधान का काम क्या है वरुण जी? संविधान को एक देश में, अगर संवैधानिक शक्तियां देश में आम नागरिक को भी दी गई हैं, तो उनको कुचलने के बाद भी आप कह रहे हैं कि अगर हो भी गया, इमरजेंसी लग भी गई, तो आम आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो फिर आप बार बार लोगों पर क्यों ये आरोप क्यों लगाते हैं सरकार पर, ये संविधान को रौंद रहे हैं? आपने तो संविधान की शक्तियां खत्म ही कर दी थी, उसके बाद अगर ये संविधान हत्या दिवस कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं आम लोगों को क्या दिक्कत थी उस समय?